हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं डेथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ अकॉर्डिंग टू होली कुरान। सो हमने देखा किस तरीके से, हमें सबको ये पता ही है कि ऑफ कोर्स डेथ तो आनी ही है और एक ना एक टाइम पे आप सब मरने वाले हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि ये कुरान में इसके बारे में क्या लिखा गया है, बिकॉज हमने देखा है कि कुरान में हमेशा उसको बहुत अलग तरीके से और डिटेल में बताया जाता है, और आपको एक सिंपल तरीके से बताया जाता है कि ये होने वाला है, ऐसा होगा। तो इसमें डेथ के बारे में क्या लिखा है वो चीज़ हम देखें। और मुझे देखो मतलब कि अभी जितना हम लोग इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हो, तो मतलब कि हम लोग गेंसिस के बारे में जान रहे चीज़ें है ना, और बाकी जैसे पारब्रह्म सिख है, और मैं जैसे हिंदू, तो हम लोगों ने बचपन से चीज़ें देखी है, पढ़ी है, और रिचुअल्स को भी मतलब फॉलो कर, इवन अभी तक हम फॉलो करते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि जो हिंदुज़म है उसमें भी डेथ के बारे में लिख रखा है। और जैसे हम लोग हैं, हमारे घर पर ही देख लो, जैसे हम लोग इवन डेथ के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग उसके मतलब हमारे घर वाले से उधर टोक देते कि मत करो, बात बिल्कुल मत करो। लेकिन वही हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर है वो तो ये बोलते हैं कि आपको डेथ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और आपको इवन डेथ की बातें करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेथ की बातें नहीं करोगे ना, तो फिर आप उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर होगे मेंटली। तो एक सर्टेन एज तक आने के बाद आपको उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। बाकी देखते हैं कुरान क्या कहती है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूरत आले मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जाने, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक। यहाँ पे हमारे साथ आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ति हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था, वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे, और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान,
यही वो हालत है जिससे तू भागता था। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। कर लो। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। इसमें अल्लाह ने क्लियरली ये बताया हुआ है कि इस तरीके से लाइक वो जो डेथ है वो एब्सोल्युटली आनी ही है, और उस टाइम पे कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो टाइम जो है वो लिखा हुआ है और वो बताया गया है कि इस टाइम पे होना है। तो लाइक उनकी वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि बिना मेरी मर्जी के कोई मर भी नहीं सकता ऐसा, और लाइक जब मेरी मर्जी जब लिखा हुआ है तब तो मरना ही मरना है ऐसा, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर जो आपको डोनेशन करनी हो, जो अच्छे काम करने हो, वो आप अपने टाइम में करना हो। ये नहीं हो सकता कि भाई लास्ट मोमेंट पर आप बोलो कि नहीं अभी मेरे को थोड़े अच्छे काम करने दो और फिर शायद मैं बच जाऊँ, वैसा नहीं हो सकता। और इसमें कहीं ना जो कुरान है उसमें भी यही चीज़ लिखी है कि आपको डेथ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है आपको नहीं पता कि डेथ आपकी कब आने वाली है, आज कल परसों, है ना। लेकिन अगर आप शायद अच्छे काम करो तो आपको इतना तो पता है कि आपके साथ मतलब कि खुद ही अच्छा होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको उसका कभी फिर ना कभी फल तो नहीं मिलेगा, उसका मिलेगा तो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब इसमें भी यही लिखा बोला था कि आपको डेथ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और बाकी ये भी लिखा था कि अगर आप बुरे काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कयामत तो होगी, कयामत के दिन आप तरसोगे कि लाइक आप ऐसे होगे कि हमने क्यों उस दिन ऐसे काम किया। तो बेसिकली बहुत कमाल की और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। सही में आप लोगों को ऐसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।